हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। वैसे तो आज थंबनेल देखकर आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारी जो वीडियो रहने वाली है तो वो बेसिकली फिजिकल के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं, वो चाहे फिर मेल हो फीमेल हो, सबका जो सिनेरियो होता है कहीं ना कहीं हम लोगों का मैच करता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊँ तो मैं एक IIT एस्पिरेंट थी। ऐसा नहीं था कि मैं काफ़ी मतलब 10th के बाद से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करनी, ऐसा नहीं था। मेरा 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, तो उसको देखते हुए मैंने फिर अपना 11th 12th में मैथ साइंस ये सब्जेक्ट लिया था। फिर मैंने अपना 12th करने के बाद IIT के लिए प्रिपरेशन करी थी। बेसिकली मैं एक IIT एस्पिरेंट ही थी, एक साल ड्रॉप करके मैंने उसकी प्रिपरेशन करी थी, लेकिन अच्छा कॉलेज मुझे नहीं मिल पाया था। IIT का काउंसलिंग भी अगर मैं करवाती तो मुझे गुवाहाटी ही मिल रहा था, तो फिर वो चीज मैंने वहां पे स्किप कर दी। और वैसे तो और भी मुझे इंजीनियर के अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन जो मेरी कंडीशन थी फाइनेंशियल फैमिली की, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब साल भर का 1 लाख भी वो लोग अफोर्ड कर पाए। और पापा अकेले कमाने वाले थे, तो ऐसा सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया था कि मैं इंजीनियर फील्ड में जाऊं। तो वहां से मैं अपना जो गवर्नमेंट फील्ड है उस तरफ गई, और फिर मैं गवर्नमेंट फील्ड में आई, जहां पे मुझे नहीं पता था कि रीजनिंग क्या होती है। लिटरली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, GS की कोई मुझे आता पता नहीं था, मैथ्स का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर से हाथ पैर मारे, ऑफलाइन कोचिंग में जाके देखा कि क्या होता है क्या नहीं। 2 ढाई महीने मैंने समझा सब्जेक्ट को पहले, तो क्योंकि मेरे लिए काफी मतलब बहुत उस टाइम पे मैंने जो फेज देखा है ना अपनी लाइफ का, कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो IIT कानपुर, किसी को मिल गया किसी को क्या मिल गया, और मैं BA ले रही हूँ, BA के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट टाइम तो था, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने जब गवर्नमेंट फील्ड में मैं आई तो सब चीजों को समझा। फिर मेरा जो सबसे पहले पाला पड़ा था एग्जाम से, तो वो था मेरा रेलवे का एग्जाम, जिसमें मेरा NTPC क्लियर हुआ था 2018 की बात है, 18-19 के आसपास की। और फिर उसके बाद मेरा टेक्नीशियन का जो एग्जाम था, CBT होते हैं उसमें, तो वो सारे मेरे क्लियर हो गए थे। तो उसके बाद मुझे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आया RPF का एग्जाम, तो RPF का एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, अब NTPC में और टेक्नीशियन में हमारा फिजिकल नहीं होता है, केवल रिटन एग्जाम होता है, और RPF में होता है आप लोगों का फिजिकल भी। अब फिजिकल मैं फिर फंस गई वहां पे कि अब मुझे कैसे करना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम तो क्लियर कर लिया मैंने RPF का भी, और फिजिकल मुझे किस तरीके से करना है ये मुझे आइडिया नहीं था। दौड़ना शुरू करती हूँ तो हाथ पैरों में दर्द शुरू, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जब दौड़ते हैं तो हमारे क्या होता है, शिन पेन दर्द होता है, काफी सारी चीजें हैं, मसल्स ब्रेक होती हैं, तो ये सब चीजें, इन सब की गलती की वजह से काफी लोगों को इंजरी भी हो जाती है, जैसे कि मेरे को भी थोड़ी सी हो गई थी RPF के टाइम पर, तो मेरे भी शिन पेन काफी होता था। ठीक है, मैं फिर भी दौड़ा करती थी, जबकि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। जब हमारी कभी इंजरी हो जाए या फिर शिन पेन हो तो उसकी भी एक रिकवरी पॉइंट होता है, उससे पहले हमें उस चीज को नहीं करना चाहिए कंटिन्यू। लेकिन मेरा जो RPF का फिजिकल था वो मैं देने गई, लेकिन मैं उसमें डिसअपॉइंट होकर आई, मैं फिजिकल कर ही नहीं पाई। इवन जो 2 राउंड होते हैं उसमें 800 मीटर की रनिंग होती है, 3:40-3:45 के आसपास आपको करनी होती है, तो लॉन्ग जंप होता है 9 फीट और हाई जंप होता है उसमें आपका 3 फीट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ मैं नहीं कर पाई, ये तो बाद में करती, पहले मैं रनिंग करती, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 1 राउंड में कंप्लीट कर नहीं पाई थी, मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल गई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जबकि मैं 1 महीने मैंने जैसे तैसे करके प्रैक्टिस करी थी, उसके बावजूद भी मैं फिजिकल में वहाँ पे फेल होकर के आ गई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। उसके 2-3 महीने बाद ही मुझे लगता है शायद ये SSC GD का एग्जाम हो गया था, उसका रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था। उस टाइम पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 100 में से 80 पॉइंट के आसपास मेरे नंबर थे, तो मुझे लगा कि अब इसमें भी नौकरी मिल जाएगी मुझे। ठीक है, जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसमें नौकरी तो तब मिली ना जब फिजिकल क्लियर कर पाऊँ मैं। अब मैं वहाँ पे भी दौड़ना शुरू करा मैंने, अब दौड़ना शुरू करा तो मेरे को 1 से 1.5 महीना वहाँ पे भी मिला था, डेढ़ शायद 2 महीने मिले थे आई थिंक। तो मैं डेली ग्राउंड में जाया करती थी, और डाइट का भी मुझे कुछ पता नहीं था किस तरीके से दौड़ना है क्या करना है, मैं अपना खुद अपने आप ही दौड़ा जाती थी। 1600 मीटर रनिंग करनी थी तो मैं 1600 ही दौड़ती थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कि किस तरीके से मुझे अपनी जो ब्रीथिंग है उसको ठीक करना है, स्टेमिना किस तरीके से बनाना है, स्ट्रेंथ किस तरीके से लेकर आनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से मैं अपना फिजिकल क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है कि खाली रनिंग करने से कुछ नहीं होता है, कि हम लोगों ने 1600 मीटर रनिंग कर ली
टाइम आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो अगले दिन फिर 1600 मीटर करेंगे, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मतलब एक नौसिखिया टाइप इंसान होता है ना, वो सब चीजें करता है, जैसे कि मैं थी। अब फिर मैं अपना खींचतान के जो टाइम था तो वो 9:30 मिनट तो लेकर आ गई थी, कि मुझे पता था कि इतना 1600 मीटर में इतना टाइम आ रहा है। वो भी मैंने अपने दम पे जैसे तैसे करके रनिंग करी, शिन पेन हुआ तो भी मैंने रनिंग करी, मुझे कुछ नहीं आइडिया था, फिर भी मैंने अपना खींचतान के 9:30 पौने 10 के आसपास मेरा टाइम आ गया था। अब मुझे ये था कि 8:30 मिनट में करनी है 1600 मीटर, तो वहां फिर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी कि 1 मिनट कैसे तोड़ूंगी मैं। लेकिन फिर भी मेरा मेरा अंदर कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहता है, मैं फिर भी देने गई वहां पे फिजिकल, क्योंकि अब ये तो था ना कि करना तो है, जी जान एंड टाइम पे लगानी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए अपना, क्या पता मैं 1 मिनट तोड़ लूँ वहां पे, सारे बच्चे एक साथ दौड़ते हैं तो थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और फिर जी जान वाली बात आ जाती है ना, जहाँ पे कि मरना और मिटने वाली बात, तो ऐसा थोड़ा सा रहता है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ये था कि 50-50% चांस है कि मेरा फिजिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब नंबर काफी अच्छे थे, नौकरी मुझे मिल जाती वहां पे, और काफी अच्छी CISF या फिर SSF इनमें से कोई एक ना एक मुझे वहां पे मिल जाता। मेरा फिजिकल अच्छा हो जाए इसकी वजह से मैंने क्या करा, मैं 1 दिन पहले ही वहां पे चली गई, BSF कैंप था तो वहां पे गई थी, उदयपुर में मेरा फिजिकल हुआ था, क्योंकि मुझे काफी डर था कि मैं अगर अच्छे से जाऊंगी थक के नहीं जाऊंगी तो मेरा शायद फिजिकल निकल सकता है। तो मैं 1 दिन पहले ही चली गई वहां पे, रूम वूम लिया शाम के टाइम पे, और सुबह मेरा फिजिकल होना था अर्ली मॉर्निंग, तो मेरी साथ मेरी एक फ्रेंड थी तो हम दोनों के दोनों वहां पे चले गए, ठीक है। उनका फिजिकल अच्छा था, वो क्लियर हो गई और आज SSF में जॉब भी कर रही है दिल्ली के अंदर। लेकिन मेरे साथ गई थी वो, ठीक है। अब हम दोनों के दोनों सुबह के टाइम चले गए 4 बजे, जो हमारा सेंटर था जहाँ पे फिजिकल होना था, उससे 1 दिन पहले मैं कैंप भी देख कर आई थी कि कहाँ पर हमारी रनिंग करवानी कहाँ पर नहीं। उस टाइम पे बारिश का मौसम था तो उन लोगों ने क्या करा, रोड पे रनिंग करवा दी, ठीक है। अब पहले होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे वो लोग, जो भी आप हमारा कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल वगैरह था, ये सब कुछ वहाँ पे चेक किया जा रहा था, सब लोगों को लाइन से बिठा दिया था। अब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गए थे, और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, और मैं सोच रही थी कि फिजिकल तो करना है। फिर 2 घंटे और हो गए, मतलब लगभग 4-5 घंटे हो गए थे वहाँ बैठे रहे, और नंबर आया हमारा, मुझे लगता है 3 बजे के आसपास आया था दोपहर में, और सुबह हम लोग 4 बजे के बैठे हुए थे वहाँ पर। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा, हाइट चेक हो रही, ये सारी चीज़ पहले ही वो लोग चेक कर रहे थे, और जो लोग वहाँ पे उस टाइम पे बाहर हो रहे थे तो उनको बाहर कर दिया जा रहा था। ऐसा नहीं था दिल्ली पुलिस की तरह कि जो डॉक्यूमेंट है हमारे वो बाद में चेक हो रहे हैं, या फिर हाइट वगैरह रनिंग फिजिकल और फिजिकल के बाद में हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा था वहाँ पे। पहले सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद हमें रनिंग के लिए क्वालिफाई किया जा रहा था। अब हमारे रनिंग के लिए हमें बुलाया जाता है, ठीक है। मेरी हार्ट बीट सच में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मैं सोच रही थी कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा मेरा आगे का, मुझे फ्यूचर ही नहीं पता था, ठीक है। और 1 मिनट मुझे तोड़ना था, वो कैसे तरीके से तोड़ना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी टूटी हुई थी, क्योंकि मतलब ये मान के चलो 10 से 11 घंटे हमारे हो गए थे वहीं पर बैठे बैठे, ठीक है। उसके बाद हम सभी लोगों को वहां पे इकट्ठा, पूरी लड़कियों को एक साथ ही दौड़ाने का उन लोगों का मोटिव था, क्योंकि काफी सारी लड़कियां हो गई थी, कम से कम करीबन 150 के समथिंग लड़कियां थी। हम सभी को रोड पे खड़ा कर दिया और बोला कि दौड़ो। अब मुझे ये भी नहीं पता 1600 मीटर, क्योंकि मैंने ग्राउंड में रनिंग करी थी, चक्कर के हिसाब से राउंड के हिसाब से 400-400 मीटर का, अब बिल्कुल डिस्टेंस सीधा करना है, मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है कहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्राउंड में ही रनिंग की हुई थी। अब मैं यहाँ पे मेंटली थोड़ी सी वीक पड़ गई थी कि पता नहीं मुझे कहाँ तक रनिंग करनी है, और मैं बीच में हाँफ गई तो या कुछ हो गया तो। अब उन्होंने विसल बजाई कि भागना है, भाग भागी मैं इतनी तेज भागी 200-300-400 मीटर तक कि मेरी वहां पे सांस फूल गई, उसके बाद मैं भाग ही नहीं पाई, बिल्कुल रुक गई। फिर रुकते और एक बार रुक गई ना मैं, तो उसके बाद मुझसे भागा नहीं जा रहा था, मेरे को लगा कि सांस ज्यादा फूल रही है, मैं काफी बच्चों से आगे हूं तो थोड़ा सा रुक जाऊं, उसके बाद फिर 100 मीटर भाग लूंगी, फिर 100 मीटर भाग लूंगी, इस तरीके से मैं भाग लूंगी। लेकिन वहां पे मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। मैं फिर जब मैं रुकी ना 300-400 मीटर के बाद, फिर मैं रुकी गई, 100-100 मीटर भी नहीं भागा जा रहा था मुझसे। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर जो मैंने पूरी जान थी ना अपनी, वो 400 मीटर में लगा दी थी। मुझे लगा कि काफी अच्छा हो जाएगा, मैं पहले भाग लेती हूँ फिर धीरे धीरे कर लूंगी। लेकिन जब मैं एक बार बीच में रुक गई तो मेरा पूरा स्टेमिना वहां पे जीरो हो गया, मुझसे बिल्कुल नहीं दौड़ा गया वहां पे, इवन खांसी वगैरह भी चलने लगी काफी सारी, वहां पे मुझे प्रॉब्लम भी होने लग गई थी। 1600 मीटर तो मेरे से दूर की बात, 800 मीटर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, फिर मैं वही बीच में जाके खड़ी हो गई थी। लेकिन उस दिन मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था जब मैं फेल होकर घर पर आई थी, क्योंकि मम्मी पापा को बहुत ज्यादा मुझसे उम्मीद थी कि मैं जॉब लग के थोड़ा सा घर को संभाल लूंगी। लेकिन सब चीजों पे पानी फिर गया था, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं करी थी। मैं सच बताऊं तो मेहनत तो करी थी, लेकिन एक सही वे में नहीं करी थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे कोच भी नहीं थे कि मैं उनके साथ रनिंग कर पाऊं या फिर वो मुझे सिखा पाए, वो खुद ही बाद में आए थे।
तो अकेली मैंने रनिंग करी थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से रनिंग करनी, जबकि इससे पहले मैं आरपीएफ के फिजिकल में ऑलरेडी फेल होकर के आई थी, उसके बावजूद भी मैंने सीख नहीं ली थी कि मुझे सही वे देखना चाहिए, या फिर कोई वीडियो भी उस टाइम पे ऐसी अवेलेबल नहीं थी जिससे मुझे गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से हमें दौड़ना चाहिए, जो बिगनर होते हैं या फिर जो पहले किसी फिजिकल में फेल हुए होते हैं तो उनको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैंने खुद ने अकेले ने पहले तो स्टार्टिंग में मेहनत करी कि मुझे किन किन चीजों पर फोकस करना है। उसके बाद मेरा राजस्थान पुलिस का फिजिकल भी क्लियर हुआ, वो मैं जॉब नहीं ली मैंने वो, उसके बाद क्योंकि मेरा एक महीने बाद दिल्ली पुलिस का था तो मुझे ये पता था कि दिल्ली पुलिस में मैं सेलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मैंने उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कर ली थी कि जो गलतियां मैंने करी है ना आरपीएफ के टाइम पे और एसएससी जीडी के टाइम पे वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। मैं काफी ना मतलब ठीक हो गई थी कि मुझे मेंटली मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे कब कैसे किस तरीके से दौड़ना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर वे भी होना चाहिए दौड़ने के लिए जहां तक मुझे लगता है, अदरवाइज हम लोग बस दौड़ रहे हैं बिना किसी एक्सरसाइज के बिना किसी स्ट्रेचिंग के तो वो काफी सारी चीजें गलत हो जाती है। हाँ एक्सेप्शनल केस उनके हो सकते हैं जो लोग गांव से रिलेट करते हैं, क्योंकि देखो वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोगों से, ये मैं मानती हूँ, उनके अंदर हमसे ज्यादा स्टेमिना भी होता है, कड़ी धूप में 12 बजे भी वो लोग काम कर लेते हैं, देखिए हमसे तो ज्यादा उन लोगों का स्टेमिना होता है, तो उनको तो किसी भी टाइम कैसे भी दौड़ा दो क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आरपीएफ के टाइम पे मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी थी जो सीकर झुंझुनू की थी, उन्होंने कभी रनिंग नहीं करी है और वो लोग रनिंग करके आ गई थी, बताओ। और एसएससी जीडी में भी ऐसी सारी लड़कियां थी, ठीक है, लेकिन हम मेरे जैसी जो लड़कियां हैं, ठीक है, या फिर आजकल थोड़ा सा खान पीन भी इस तरीके का है कि हर कोई फिजिकल नहीं कर पाता है, और साथ में एक चीज और होती है कि हम लोग पढ़ाई पे ज्यादा फोकस देते हैं, सारा टाइम पढ़ाई पे दे जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमारी जो बॉडी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग मेंटली तो स्ट्रांग हो रहे हैं वहां पे लेकिन फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा फिजिकल होता है तो उस टाइम पे वो डाउन भी हो जाता है जब हम लोग ड्यूरिंग प्रिपरेशन होते हैं। अब देखो 99% चांसेस हैं कि आप लोगों का जो फिजिकल होना है एसएससी जीडी का तो वो 23 सितंबर से शुरू होना है, और लगभग आप लोगों के 40 दिन के आसपास 39 दिन के आसपास आप लोगों का फिजिकल चलना है, ठीक है। देखो देखा जाए तो आप लोग के लिए फिजिकल के लिए अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग आज से ही जब मैंने वीडियो बनाई तभी से फिजिकल शुरू कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ गया था तो वो लोग फिजिकल में कहीं ना कहीं लगे ही हुए थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो बचे हुए जो दिन है उसमें आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं, साथ में जब आप लोग फिजिकल देने जाएंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने करी थी। इवन मैंने क्या, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से ही रनिंग के प्रिपरेशन करते हैं लेकिन वहां पर जाकर उनकी रनिंग नहीं हो पाती है, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास टाइम, अभी आप लोग मान के चले कि जो एवरेज बच्चे के पास टाइम है वो 20 से 25 दिन का है, ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ, आपको किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, लेकिन आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। अब आप लोग ये गांठ बांध दो कि आप लोगों का जब तक फिजिकल नहीं होना है ना तो दो फिजिकल होने के एक दिन पहले आप लोग रनिंग छोड़ देना अपने, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उस दिन भी कर रहे, एक से दो दिन पहले ही रनिंग छोड़ देना, ठीक है, और उस रनिंग होने तक आप लोगों को क्या करना है, जब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। जब भी आप लोग रनिंग की शुरुआत करते हैं, जब आप लोग अपने मेन दिन जब फिजिकल होगा तो उससे पहले भी आप लोगों को स्ट्रेच जरूर करके जाना पूरी बॉडी को, पूरे लेग्स को, ताकि आप लोगों की जो मसल्स हैं वो खुल जाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है वहां पे बैठा के रखते हैं वो लोग कम से कम 5 घंटे मिनिमम मान के चलो, ठीक है, उस बीच में हमारे जो पैर होते हैं वो काफी ज्यादा जकड़ जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग सडन खड़े होते हैं वो कहते हैं चलो जल्दी से करके फिजिकल वो रनिंग करो, यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं वो डायरेक्टली, कोई मौका नहीं देते कि आप लोग वॉशरूम भी चलो जाओ, कुछ खा पी भी लो, कुछ नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया कि आ जाओ उठ जाओ ये वाला बैच आ जाओ तो आपको फिर रनिंग ही करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर कुछ नहीं देखा जाता कि आप लोग मूव लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि वहाँ पे बैठे ना बिल्कुल भी, इधर उधर घूमते रहें, जब आप लोगों का नंबर आएगा तब आपको बुला लिया जाएगा, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा घूमते रहें, एप्पल वगैरह खा लें, छोटी मोटी चीज आप लोग खाते रहें, एनर्जी ड्रिंक लेके जाएं साथ में, वो आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं जब तक आप लोगों का नंबर नहीं आता है, ठीक है। अब इन बचे हुए दिनों में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डेली आप लोगों की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, ताकि वो मेन दिन भी जब आपका फिजिकल होगा उस दिन भी आपके काम आएगी, साथ में जब आप लोग रनिंग मतलब क्लियर कर देते हैं, जब आप लोगों की रनिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे 5 किलोमीटर मेल की है वो कंप्लीट हो जाती है 24 मिनट में उनको करनी है, ठीक है, 23 टाइम आया आपका, 25 आया, 26 आया, उससे भी कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, और लड़कियों का 1600 मीटर 8.5.5 मिनट में करनी है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग करनी है, उसके
बाद आप लोगों को रनिंग पर आना है, रनिंग के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज का अच्छा खासा ध्यान देना। देखो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज ही आप लोगों का जो स्टेमिना होता है ना उसको काफ़ी अच्छा बिल्ड करता है। स्टेमिना वैसे स्लो रनिंग से भी काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन एक्सरसाइज से भी आप लोगों की जो सांस रोकने की हिम्मत होती है ना वो उससे ही आती है। एक्सरसाइज से मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने जो एक्सरसाइज है उन पर काफ़ी अच्छा फोकस किया था। पहले मैं भी ऐसी सोचती थी कि रनिंग से ही कुछ होगा, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो एक्सरसाइज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो देखिए ये मैं 14-15 तारीख के आसपास कोटा जाऊंगी अपने घर, तो मैं वहां पे आप लोगों को डायरेक्टली ग्राउंड से जो हमारे कोच है नेशनल एथलीट, तो वहां से आप लोगों को उनके लिए लाइव सेशन चला दूंगी, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेरी है आप लोग वहां पे उनसे पूछ सकते हैं, क्या एक्सरसाइज आप लोगों को करनी चाहिए वो सारा आप लोगों को बता देंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की डाइट भी होती है। देखिए डाइट का रोल भी काफी अच्छा होता है, हम लोग रनिंग तो कर रहे हैं मसल्स टूट रहे हैं, लेकिन उसको हमें वापस से जोड़ना भी होता है, तो डाइट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं जब रनिंग करके आया करती थी, तो उसकी जब मैं दिल्ली पुलिस की रनिंग कर रही थी, क्योंकि उसमें तो फेल हो गई थी, लेकिन जी जान फिर मैंने दिल्ली पुलिस के लिए लगाई थी और राजस्थान पुलिस के लिए लगाई थी, तो मैं क्या करती थी फिर डाइट पे भी अच्छा खासा फोकस करती थी। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेचिंग करनी है, फिर रनिंग करनी है, उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइजेस करनी है, उसके बाद आप लोगों को घर पे आके डाइट का अच्छा खासा ध्यान रखना है। जब आप लोगों का सारा शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है, जब सुबह रनिंग करने जाए तो आप लोग साथ में एक एप्पल जरूर लेके जाए, रनिंग करने से पहले आप लोग 10-15 मिनट पहले एप्पल खा सकते हैं। बनाना मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी आप लोगों को, क्योंकि बनाना खाने से क्या होता है पेट में दर्द होता है जब हम लोग तेज रनिंग करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आप लोग नोटिस भी कर सकते हैं। एप्पल आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, उसमें ज्यादातर वाटर की क्वांटिटी होती है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं ये एप्पल खा सकते हैं, एप्पल खा के जाके रनिंग कर सकते हैं आप लोग। साथ में एनर्जी ड्रिंक भी आप लोग पी सकते हैं, जैसे कि किसी किसी को रेडबुल पीना होता है, वैसे कुछ भी आप लोग पी सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोल आप थोड़ा सा पी सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हल्का फुल्का बिल्कुल लाइट वेट चीज तो पेट के अंदर देनी पड़ेगी। रनिंग होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, या तो चने वगैरह होते हैं, चने दाल जो भी वेज की चीजें होती है ना, चने हो गया, दाल हो गई, और भी काफी सारी चीजें होती है आप लोगों के, बादाम हो गए, अखरोट भी अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो, अंजीर होती है वो, ये सब कुछ आप लोग रात को ही भिगोते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, यकीन मानिए आप लोग डेली अगर चना खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहता है। साथ में एक मुनक्का बोलते हैं, और शायद राजस्थान में दाग बोलते हैं उसको, मोटी सी किशमिश आती है, उसको भी आप लोग साथ में भिगोएं, वो आप लोगों का स्टेमिना काफ़ी अच्छा बूस्ट करती है, तो उसको आप लोग वो भिगो लें, वो आप लोगों की डाइट बहुत अच्छी रखेगा। जब आप लोग सुबह रनिंग करके आते हैं उसके बाद उसको जरूर लें आप। और जैसे कुछ लोग हैं जो शाम को भी रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये है कि किसका जब किसी का अगर अच्छा स्कोर है तो वो तो अपना फिजिकल पे पूरा फोकस लगाएगा, ठीक है, उसको तो फिजिकल करके उसके पास नौकरी रखी है तो वो सुबह भी फिजिकल कर रहा होगा, शाम के टाइम भी छोटा मोटा अपना एक्सरसाइज वगैरह या कुछ कर रहा होगा। तो शाम के टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप लोग अपने ग्राउंड से या फिर रोड पे रनिंग करने के बाद आते हैं तो आप लोग को शाम के टाइम आप लोग बनाना शेक पी सकते हैं, उसमें बादाम वगैरह है, अगर भीगी हुई किशमिश बची है तो वो भी आप लोग उसमें ग्राइंड कर सकते हैं, काफी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा वो ऑप्शन। या फिर दूसरी चीज आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे आप लोग रनिंग करके आ गए, ठीक है, रनिंग करने के बाद आप जो चीज़ लेते हैं ना वो सबसे ज़्यादा आप लोगों की बॉडी पर असर पड़ती है, इस चीज़ को आप लोग कभी भी ध्यान दे लेना। जब हम लोग सुबह की कोई चीज़ खाते हैं, क्योंकि हमारा सुबह के टाइम खाली पेट होता है, सबसे ज़्यादा वो आप लोगों के लिए बेनिफिट करता है। साथ में जब हम लोग रनिंग करके आते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ खाते हैं वही हमारी बॉडी पर सबसे ज़्यादा असर करता है, इसीलिए बोला जाता है कि मसाले मिर्ची कम खाने चाहिए, ताकि जो हमारी हेल्थ है उससे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। अब जैसे आप लोग शाम के टाइम रनिंग करके आए तो अगर आप लोग डायरेक्टली खाना खा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एडवांटेज के रूप में बोल रही हूँ कि अगर आप लोग बनाना शेक उस टाइम पे पीते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे खाना खा लिया आप लोगों ने, अगर आप लोग बनाना शेक नहीं पीना चाहते, किसी को पसंद भी नहीं होता, तो खाना खा लिया आप लोगों ने शाम के टाइम, शाम का डिनर कर लिया, उसके बाद आप लोग रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पी लें। हल्दी आप लोगों की एंटीबायोटिक होती है, आप लोगों का जो भी इम्यूनिटी होती है ना वो आप लोगों की बूस्ट करती है हल्दी, तो हल्दी थोड़ा सा आप लोग डालें उसके अंदर, फीके दूध के अंदर, मीठा थोड़ा सा अवॉइड करें, मीठा और चावल थोड़े कम खाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों का फैट भी बढ़ाते हैं और चावल आप लोगों की सांस फुलाता है थोड़ा सा, तो चावल आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों की डाइट की बात बता दी, साथ में स्ट्रेचिंग बता दी, रनिंग बता दी, और आप लोगों की एक्सरसाइज बता दी। एक चीज और आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान दें कि डेली डेली आप लोगों को 5 किलोमीटर मेल को और 1600 मीटर फीमेल को नहीं करना है, जो
बचे हुए दिन है ना आप लोगों को, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि डेली डेली आप लोगों को सेम चीज रिपीट नहीं करनी है। आप लोगों को ऐसे करना, जैसे जिनका 5 किलोमीटर की रनिंग है ना, तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि 7 किलोमीटर दौड़े एक दिन, 7 किलोमीटर दौड़े एक दिन, आप लोग 2.5 किलोमीटर दौड़े ठीक है, और फिर उसका टाइम के साथ दौड़े। एक दिन आप लोग 5 किलोमीटर का टाइम लगाए, इस तरीके से आप लोग 3 दिन का शेड्यूल बना लें। फिर आप लोग 2 दिन थोड़ा एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें, 200-200 मीटर के शूट मारें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब लास्ट का टाइम होता है ना हमारा, जैसे कि 5 किलोमीटर, मैंने 5 किलोमीटर रनिंग भी करी हुई है जो कि राजस्थान पुलिस में मांगी जाती है ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब लास्ट का राउंड होता है ना हमारा, उसमें तो मैंने राउंड ही किया था, लंबी रनिंग नहीं करी थी 5 किलोमीटर, उसमें 13 राउंड पड़ गए थे हमारे, 12.5-13 ऐसे करके राउंड थे। तो उसमें क्या होता है लास्ट का टाइम जो रहता है ना हमारा, तो वो हमारा जब हम लोग 200-200 मीटर के शूट मारते हैं ना, तो वो हमारा स्प्रिंट जिसको बोलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, उससे हमारा जो स्टेमिना है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, सांस गलती है उससे ठीक है। लास्ट में जो जैसे किसी का कम टाइम रह गया है ठीक है, तो वो क्या करता है फिर शूट मारने की कोशिश करता है, तो लास्ट टाइम पे आप लोगों की वो चीज़ काम आएगी जो आप लोग अभी ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 200 मीटर की जो रनिंग लगा रहे हैं आप, वो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अब 200 मीटर के जो आपको शूट मारने हैं वो किस अकॉर्डिंग मारने हैं, जैसे कि एक दिन डिसाइड कर लें कि मुझे सैटरडे को करना है ये सब चीज़, संडे का रेस्ट लेना है, सैटरडे को करना है, क्योंकि सैटरडे को आप लोग पूरी जी जान लगा दें अपनी ठीक है, ताकि संडे की रिकवरी हो जाए आप लोगों की, फिर मंडे को आप 5 किलोमीटर लगा लें। इस तरीके से आप शेड्यूल बना लो, सैटरडे को 200-200 मीटर के आप लोगों को 10 से 12 आप लोग मारिए शूट, बीच बीच में थोड़ा सा गैप देकर के, 1-1 मिनट का गैप देना है आपको, 2-2 मिनट का भी ले सकते हैं, और उस दौरान आप लोगों को इलेक्ट्रोल जरूर पीना है। जब आप लोग 200 मीटर करा आपने, उसके बाद रुके, थोड़ा सा ब्रीथ ली, उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रोल पी लें, फिर दोबारा से 200 मीटर करना है आपको, इस तरीके से शेड्यूल बनाए। ये सारा मेरे जो नेशनल एथलीट थे ना, वहाँ आर्मी वाले बच्चे भी प्रैक्टिस करते थे, सबसे ज़्यादा आर्मी वाले बच्चे थे, उनके साथ ही मैं दौड़ा करती थी, लड़के लड़के हुआ करते थे, सबसे पीछे मैं हुआ करती थी, मुझे लगता था कि मुझे ना गिरा दे ये लोग, इसलिए मैं उनको पहले जाने दिया करती थी और मैं साइड से करा करती थी, लेकिन मैं भी उनके साथ ही दौड़ा करती थी, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है जिस तरीके से हमारे जो कोच हैं वो करवाया करते थे। आप लोग समझ गए होंगे कि पहले आप लोगों को रनिंग करने से पहले एक एप्पल जरूर खाना है ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोल पीकर भी आप लोग रनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोल नहीं पीना है ठीक है, उससे ज़्यादा आप लोगों के लूज मोशन भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को पहले सुबह एप्पल खा के जाना है, उसके 10-15 मिनट बाद रनिंग शुरू करनी है आप लोगों को। मैं कहूंगी स्टार्टिंग में शुरू में थोड़ा सा बनाना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप तेज दौड़ते हैं तो पेट में थोड़ा सा दर्द होता है ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों को रनिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर कर लेनी है, अदरवाइज आप लोगों के पेन जरूर होगा। अगर आप लोग डायरेक्ट रनिंग करना शुरू कर देंगे पेन होगा, लड़कियों को बता रही हूँ, लड़कों को बता रही हूँ ठीक है, इन सब चीजों से गुजरी हुई हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आप लोगों को स्ट्रेचिंग जरूर करके जानी ताकि पेन से आप लोग रिलीफ हो सकें ठीक है। उसके बाद जब रनिंग शुरू करते हैं तो शुरू में ही आप लोगों को पूरी जी जान कभी नहीं लगानी, चाहे वो आपके 1600 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, चाहे आपका मेन दिन हो, शुरू में इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मानने हैं, धीरे 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 करके स्पीड बढ़ाई जाती है। मैंने तो एकदम ही बढ़ा दी थी, इसीलिए मैं वहाँ जाके बेहोश जैसी ही हो गई थी, मान के चल सकते हैं आप। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है ठीक है, धीरे धीरे करने वाला ही जीतता है, आप लोगों को पता भी होगा ठीक है। अब इतना धीरे भी नहीं जाना है कि बिल्कुल ही आप स्लो स्पीड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ानी है। और लास्ट का जो टाइम होता है ना, लास्ट का जैसे 1600 मीटर में 400 मीटर का राउंड है या फिर 200 मीटर का, उसमें लड़कियों को जी जान लगानी है, और लास्ट का जो 1.5 किलोमीटर बचता है 5 किलोमीटर वाली रनिंग में, उसमें लड़कों को जी जान लगानी है, ये थोड़ा सा माइंड में लेकर चले बस आप। रनिंग जब आप लोगों की हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइजेस जरूर करनी, और ये सारा शेड्यूल मैं आप लोगों को मॉर्निंग का बता रही हूँ ठीक है। इवनिंग में हल्का फुल्का आप लोग वॉकिंग या 2-2.5 किलोमीटर ऐसे ही आप लोगों ने जॉगिंग टाइप करनी है, लेकिन शाम के टाइम भी करनी है ताकि थोड़ी मसल्स हैं आप लोगों की एक्टिवेट ही रहे ठीक है। आप लोग जब सुबह के टाइम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद आप लोगों को अपना जो एक्सरसाइजेस है उन पर अच्छा खासा फोकस करना, आधा से पौन घंटा एक्सरसाइज करनी है काफी ज्यादा, जिसमें आप लोगों की सांस फूल जाए ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी करवा सकते हैं आपस में, जो 2 लोग हैं जैसे कि मेरे फ्रेंड और हम लोग तो कर लिया करते थे आपस में थोड़ा सा, ताकि रिलैक्स हो जाए पूरी बॉडी और आप लोग भी थोड़ा को आप लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो ठीक है। ये सब चीजें आप लोग आपस में कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग घर जाके अच्छी खासी डाइट लेनी, डाइट में मैंने आप लोगों को बता दिया था चने वगैरह
दाल, ये आप सब चीजें भिगो के रख लें और मुनक्का जरूर भिगो के रखें, जो बड़ी सी किशमिश आती है ना उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छा लंच करना है, उसके बाद आप लोगों को पूरी प्रॉपर नींद लेनी है। नींद का काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों की रनिंग पर, ठीक है? तो नींद लेनी है, उसके बाद शाम को आप लोग अपने ग्राउंड में या फिर आसपास जो भी है छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी आप लोग जॉगिंग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के मसल्स हैं वो एक्टिवेट रहे, ठीक है? उसके बाद आप लोग रात को, मैंने बता दिया कि शाम को जब आते हैं तो बनाना शेक पी सकते हैं आप लोग। अगर किसी को बनाना शेक पसंद नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध वो जरूर पी सकते हैं रात को सोने से पहले। फिर सुबह देखना आप लोग एकदम फ्रेश उठेंगे, आप लोगों का अच्छा फील होगा और आप लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहेगी, ठीक है? तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जिन लोगों की मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, काफी सारे बच्चों के मुझे ईमेल आ रहे थे, तो आप लोग एक काम करिए, मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों की वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। जो भी मेडिकल से क्वेरीज आ रही थी कि इन लोगों की फ्लैट फीट है, क्या चेक करेंगे क्या नहीं, तो आप लोग मुझे वहां पर कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पर रिप्लाई कर दूं। आप लोग मुझे यहां पर भी अपनी क्वेरी जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैं जब 14-15 तारीख के आसपास जाऊंगी कोटा, तो आप लोगों के लिए जो भी आपकी क्वेरीज है ना, ये सारी मैं अपने कमेंट बॉक्स से उठा लूंगी और अपने जो हमारे कोच हैं उनसे पूछ लूंगी, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरी है उस सबके आप लोगों को आंसर मिल सके। तो थोड़ा खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, आप लोग जरूर सेलेक्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।